देखिए, आपका एनिमी कंट्री है, दुश्मन था आपका, तो आपने झंडा लेके खड़े हैं तो आपकी फतह है उसे देखिए, हमें बनाना सबको चाहिए। झंडा झंडा लेके खड़े होना एक जमात की बजाय, वहां पे झंडा लेके सबको खड़ा, ठीक है मुझे इनका अपना था, मैं इस मैं पाकिस्तान का झंडा था ना यार, पीटीआई का झंडा थोड़ी था। लेकिन लेकिन बात यह है कि मैं तो वो अंदर की आपको कहानी बताई ना कि फैसल साहब के ऊपर फैसल बड़ी, साहब बड़ी खिंचाई हुई आपकी, खिंचाई हुई थी फैसल साहब की, ठीक ठाक। ये देखिए कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, देखिए कुछ लोगों ने ठीक ठाक कहा था कि फैसल साहब वहां पे क्यों पहुंचे, बिल्कुल वापस बुलवाया जाए, बुलवाया तो वो अब्बा भी नहीं उनको मुझे बुला सकते थे जितना मैं दूर था, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए सर, आपका अब्बा भी नहीं मुझे बुला सकता, मेरी मेरे ना देखिए नदीम साहब, एक इंसिडेंट में अब्बा भी नहीं बुला सकते, झंडा झंडा जो है ना सर, वो मैंने गाड़ा पाकिस्तान का, पीटीआई का नहीं, और मैं आज भी फख्र करता हूँ और आगे भी करूंगा ऐसे काम। एक इसी तरह मैंने जूता भी रखा, तो उसको भी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था, वो खैर नामुनासिब काम था, मैंने मैंने मेरा जो काम गलत है गलत, मेरा किसी अदारे की तस्दीक नहीं थी, मैं इनका जो उस वक्त चेहरा बता रहा था वो आज नजर आ गया। पाकिस्तान का झंडा ले रहा ना, या गर्दन या पैर, बूट रखना दुरुस्त काम मेरा, सिर्फ ये एक सवाल, वो भी आपको पता है, आपको उसके ऊपर भी सरजनिश हुई थी बूट रखने, नहीं बूट गलत था, बूट उन्होंने कहा गया था कि बूट गलत रखा है, नहीं है काम ही गलत है, गलत काम है, मौसम भाई उसकी हुई, उसकी मानी पीएम ने मुझे डांटा, मैंने माना, फिर आप पिस्तौल लेके सफारतखाने के बाहर ही पहुंच गए, मेरी औलाद साथ खड़ी, पिस्तौल लेके नहीं गोली भी कारपेटी में चला सकता, नहीं वो आप तो है नहीं ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, किसी का बाप की हिम्मत है सर, मेरी औलाद है उसके बराबर वाले स्कूल में, तो कोई भी गैरतमंद बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ेगा। आपको ये बात सर, आपको आपका आपका लीडर अपनी बेटी छोड़ पा सर, जिस वक्त चाइनीज काउंसलर, चाइनीज काउंसलर उसके बराबर में, उसके बराबर बूट रख देना, बच्चों का प्ले स्कूल था, जहाज के पर ऊपर मैं सबसे पहले आता था पाकिस्तान में, और फिर पिस्तौल लेके पहुंच जाना, पिस्तौल लेके खड़ा नहीं, बड़े मसले होते हैं, पिस्तौल चलानी ही पड़ेगी तब भी चला लेंगे, तो किसी की औलाद की चला लेंगे, माफी दे आपकी औलाद का अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, हम तो खुद दुआगो हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक वजीर है, वजीर का मतलब ये नहीं कि चूड़ियां पहन के बैठा हूं, पाकिस्तान में कोई जंग तो नहीं हो रही ना भाई, आपके कानून और लॉ एंड ऑर्डर वाले अदारे बता दूं, उसमें भी वही मीडिया मेरे मेहरबान था, जिसकी इतनी बड़ी थद्दी लेके बैठा हूं और हिला रहा हूं जुला रहा हूं, ठीक है मुझे की फिक्र नहीं है, मीडिया की बुराई नहीं करनी चाहिए आपने मेरे पास, ठीक है मैं आपसे इसीलिए नहीं, मैंने नाम नहीं लिया ना, आप मुझे पता, आप